Hi guys, welcome back to my channel and to another video. So, हम बात कर रहे थे electrostatics की. We were talking about the very first chapter which is electric charges and fields. So, हमने ना electric field complete कर लिया है and obviously हमने electric charge भी complete कर लिया था. Then there is a very small portion जो कि electric field से ही related है, वो हमें करना है. That will be covered in the coming 5 to 6 videos. तो आज हम जो हमारा लास्ट सेक्शन है बेसिकली चैप्टर 1 का, तो हम वो स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आता है, जो सीबीएसई ने सिलेबस दे रखा है, अगर आप देखोगे तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज गॉस थ्योरम इन द थर्ड सेक्शन. ओके, ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. गॉस थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी. बट उसको बताने के लिए मुझे एक बेसिस बनानी है, राइट? मतलब उसे बताने के लिए मुझे कुछ दो चीज़ें समझाना बेहद ज़रूरी है. तो आज हम वो दो चीज़ों की बात करने वाले हैं. ओके, सो तो शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैड टू डिस्कस विद यू वॉज एरिया वेक्टर. एरिया और वेक्टर बोल रही हूँ मैं साथ में. तो जी, ये जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हमने तो अभी तक ये पढ़ा है ना कि जो एरिया होता है दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? इट डज़ नॉट हैव एनी डायरेक्शन, इट जस्ट हैज़ मैग्नीट्यूड. तो हमने तो हमेशा एरिया को एक स्केलर की तरह ही पढ़ा है. लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाते हो, जब आप हायर स्टडीज़ में जाते हो, जब फिजिक्स जो है और ब्रॉड होती जाती है, मैथमेटिक्स और ज़्यादा ब्रॉडली स्टडी आप करते हो, तो हमें ना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम उन कुछ प्रॉब्लम्स में एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ही ट्रीट करते हैं. ओके, सो एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इन सम केसेस वी ट्रीट इट एज अ वेक्टर फॉर आर कन्वीनियंस, अपनी सहूलियत के लिए. ओके, आई होप दैट्स क्लियर. ओके, तो अगर मैं एरिया को एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर रही हूं, तो वेक्टर का मतलब क्या होता है बता दीजिए मुझे. वेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो होगा, साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी होगा, राइट? तो अगर मैं एरिया को वेक्टर की तरह बोल रही हूं, तो एरिया का जो डायरेक्शन है ना, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? ऑलराइट, तो क्या क्या बोला मैंने देख लेते हैं. मैंने कहा एरिया जो है वैसे तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इन सम केसेस, कुछ केसेस में, इन सम केसेस अपने कन्वीनियंस के लिए, फॉर आर कन्वीनियंस, अपनी सहूलियत के लिए, वी ट्रीट इट एज अ वेक्टर. ओके, सो एरिया वेक्टर इज बेसिकली व्हाट एरिया ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में जब हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर. क्यों? क्योंकि वैसे तो स्केलर होता है एरिया, बट इन सम केसेस फॉर आर कन्वीनियंस वी ट्रीट इट एज अ वेक्टर. नाउ अब सवाल आता है कि अगर हम एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो हम उसके साथ डायरेक्शन को किस तरीके से बताएंगे. मतलब अगर कोई एरिया वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन किस तरीके से होगा. तो उसका सीधा सा एक सवाल है, अगर आपके पास, इफ़ यू हैव अ लार्ज एरिया, ठीक है, कुछ ऐसा सा है एरिया, तो सीधी सी बात है आप क्या करो, आप इसको डिवाइड कर लो इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. आपको जैसे भी डिवाइड करना है डिवाइड इट, ठीक है, लाइक आई एम डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, या वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में आप इनको डिवाइड कर लो, ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन एरिया एलिमेंट, देन दिस इज सेकेंड एरिया एलिमेंट, देन दिस इज थर्ड एरिया एलिमेंट. तो ऐसे से करके आप क्या करो, एक बड़े से एरिया को डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स. नाउ जो हर एक जो एक छोटा एरिया एलिमेंट होगा, उसको एक प्लेन की तरह, एक प्लेनर की तरह ट्रीट किया जाएगा. ओके, क्या बोला मैंने, इफ यू विश टू एसोसिएट डायरेक्शन विद एरिया, तो क्या करो, अगर आपके पास कोई भी एरिया है, अगर आपने उसका डायरेक्शन निकालना है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना होगा, उस एरिया को डिवाइड करो इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, ठीक है, उसको उसी के सेक्शंस में डिवाइड करो, छोटे छोटे एरिया के सेक्शंस में डिवाइड करो. एंड देन जो एक एरिया एलिमेंट होगा, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट होगा, ईच स्मॉल एरिया एलिमेंट विल बी ट्रीटेड एज
अ प्लेन विल बी ट्रीटेड एज अ प्लेनर. ठीक है, अच्छा ये मैं प्लेन और प्लेनर में क्यों बोल रही हूँ, देखो अभी ट्वेल्थ की ही मैथमेटिक्स में अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है आप मैथमेटिक्स भी पढ़ोगे, तो आपके पास ना एक चैप्टर आएगा जहाँ पे आप प्लेन्स के बारे में स्टडी करोगे. ठीक है, किसके बारे में स्टडी करोगे, प्लेन्स के बारे में. प्लेन्स क्या होते हैं, टू डायमेंशनल होते हैं, राइट. तो अगर कोई भी एक प्लेन होता है, कोई भी अगर एक प्लेन होता है, तो आप पढ़ोगे कि जो प्लेन का ओरिएंटेशन होता है ना, प्लेन का जो डायरेक्शन होता है, अगर आपको प्लेन का डायरेक्शन निकालना है तो प्लेन का डायरेक्शन हमेशा निकाला जाता है एक ऐसे वेक्टर से जो वेक्टर हमेशा इस प्लेन के नॉर्मल होगा. ठीक है, इस प्लेन के नॉर्मल होगा, तो आई एम ड्रॉइंग इट लाइक दिस. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इज, जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक रजिस्टर है, राइट. अगर मैं इसका इतना सरफेस देखूँ, इतना सरफेस देखूँ, तो ये एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है, सिर्फ दिस सरफेस. तो अगर इस प्लेन का ओरिएंटेशन मुझे निकालना है, तो इस प्लेन का ओरिएंटेशन मुझे वो वेक्टर देगा जो इस प्लेन के नॉर्मल होगा, एंड नॉर्मल कैन बी बोथ इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, लेट्स कीप दिस पेन असाइड. ठीक है, तो ये जो दो नॉर्मल्स हैं, मतलब कि इस प्लेन का डायरेक्शन, इस प्लेन का ओरिएंटेशन या तो आउटवर्ड हो सकता है या फिर इनवर्ड हो सकता है. ठीक है, तो जो पेन की कैप है, इट शोज वेक्टर का जो टिप होता है. ठीक है, तो या तो नॉर्मल अंदर की तरफ जाएगा या फिर बाहर की तरफ जाएगा. बस समझने वाली चीज ये है, प्लेन का जो डायरेक्शन होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द प्लेन. ठीक है, तो ये चीज मैं बता दे रही हूँ. ठीक है, तो हम ये मैथ्स में पढ़ेंगे आगे जाकर, लेकिन अभी के लिए अब आप ये जान लो कि अगर कोई भी एक प्लेन है, इफ देयर इज एनी प्लेन, तो प्लेन का अगर आपने ओरिएंटेशन निकालना है, ओरिएंटेशन निकालना है, तो हमेशा उसका ओरिएंटेशन कौन बताएगा, उसका डायरेक्शन कौन बताएगा, नॉर्मल टू द प्लेन. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बात. अच्छा, अब क्या बोला था मैंने कि अगर आपको एरिया वेक्टर का पता करना है कि उसका क्या डायरेक्शन है, तो आप जो भी आपके पास एरिया दे रखा है, डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, एंड देन ईच स्मॉल एरिया एलिमेंट विल बी ट्रीटेड एज अ प्लेनर, विल बी ट्रीटेड एज अ प्लेन. अब सवाल ये है कि डायरेक्शन जो है नॉर्मल का, अगर आप प्लेन का ओरिएंटेशन बात कर रहे हो, ठीक है, उस स्मॉल एरिया एलिमेंट की बात कर रहे हो, तो उसका डायरेक्शन नॉर्मल बताएगा. ठीक है, अब जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल वेक्टर जो होता है, वो दो डायरेक्शन में काम कर सकता है. कैसे कैसे, या तो नॉर्मल इनवर्ड होगा या नॉर्मल आउटवर्ड होगा, है ना. या तो टिप जो है अंदर की तरफ जा सकता है, वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर जो है वो अंदर की तरफ जा सकता है, या फिर बाहर की तरफ आ सकता है ना. तो हम क्या करेंगे, अभी हम एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए वो नॉर्मल लेंगे जो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो. ठीक है, थ्रू आउट द यूनिट, थ्रू आउट दिस ट्वेल्थ क्लास या थ्रू आउट द फिजिक्स में, हम हमेशा क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी एरिया एलिमेंट है, अगर कोई भी एरिया का एलिमेंट है, एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा कौन, नॉर्मल टू दैट एरिया वेक्टर, नॉर्मल टू दैट एरिया, सॉरी. ओके, एंड दैट नॉर्मल विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन. सो वी कैन से दैट कि एरिया का जो डायरेक्शन होगा, जब हम उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, तो दैट डायरेक्शन विल बी गिवन बाय एन आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉन टू दैट पर्टिकुलर एरिया एलिमेंट. ओके, फाइन. तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये एक एरिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे. तो सपोज करो कि मुझे यहाँ पे चाहिए कि यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगा इस एरिया एलिमेंट का, दिस इज सम एरिया एलिमेंट, तो इसका डायरेक्शन कौन बताएगा, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल. ओके, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई एक एरिया आ गया इधर, तो सॉरी, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, इधर आ गया तो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल. ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपके पास कोई भी एरिया है, सपोज दिस इज सम एरिया, ओके, और अगर मुझे इसका, अगर ये एरिया वेक्टर की तरह मैं ट्रीट कर रही हूँ, और मुझे यहाँ पे ये जो ब्लैक इंक से लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे पता करना है कि क्या डायरेक्शन है इस एरिया का, तो मैं इससे एक आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल लूंगी, तो दिस विल बी द डायरेक्शन. ओके,
हमेशा आउटवर्ड. ऑल राइट, सो समझ में आ गई ये चीज़ें. क्या बोला मैंने कि अगर कोई भी एक रैंडम या पर्टिकुलर एरिया है और अगर आपने उसका डायरेक्शन निकालना है तो हमेशा क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में और फिर ईच एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉन टू दैट पर्टिकुलर एरिया. ओके, आई होप दैट्स क्लियर. अच्छा, ये जो है ये डायरेक्शन बताता है. डायरेक्शन बताने का काम किस वेक्टर का होता था, यूनिट वेक्टर का होता था. यूनिट वेक्टर का सोल पर्पस, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस का मतलब ही है डायरेक्शन बताना. ओके, तो अगर सपोज कीजिए कि ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है इसका जो एरिया है दैट इज़ डेल्टा एस, और अगर इसको मैं वेक्टर की तरह ट्रीट करती हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि मैग्नीट्यूड लिख लीजिए पहले तो इस एरिया का, है ना, और उसके बाद एक एन कैप लगा दिया. ठीक है, समझ में आ गई बात. तो मतलब जब आप एरिया वेक्टर को एक अगर आप एरिया को एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, वेयर एन कैप इज व्हाट, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर जो कि क्या है बेसिकली, किसके अलोंग है, डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल के अलोंग. ठीक है, समझ में आ गई बात. नॉर्मल का मतलब क्या होता था, वो लाइन जो परपेंडिकुलर होती है टू एनी सरफेस दैट इज कॉल्ड इज नॉर्मल. ओके, सो डेल्टा एस वेक्टर इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया व्हेन इट इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, और डेल्टा एस जो है वो मैग्नीट्यूड है इस एरिया का एंड एन कैप इज द यूनिट. ओके, अलोंग द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू दैट एनी पर्टिकुलर एरिया. ऑलराइट, सो वी डन विद दिस एरिया वेक्टर. आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी. ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपने कोई डाउट होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो यू नो वट यू हैव टू डू, राइट? ऑलराइट, सो हम ना नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं. एक चीज मेरे को ये बतानी थी एरिया वेक्टर के बारे में. दूसरी चीज जो मुझे डिस्कस करनी थी दैट वॉज अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज होती है? या टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, इट इज बेसिकली वॉट, फ्लक्स जितना ज़्यादा या जितना भी कम होगा वो बेसिकली बताता है कि अगर आप किसी भी सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स निकालते हो. ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि आप जब भी फ्लक्स निकालोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, तो एक एरिया का होना ज़रूरी है, एक सरफेस का होना ज़रूरी है. ठीक है, तो फ्लक्स इज़ बेसिकली वॉट, इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ सरफेस, नंबर वन. ठीक है, तो फ्लक्स इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ सरफेस. या पहली चीज तो ये कि अगर आप जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो तो इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सरफेस. नंबर टू, बेसिकली ये बताता क्या है, उस सरफेस के अक्रॉस या उस सरफेस के थ्रू जितना भी फील्ड पास हो रहा है, दैट इज हाउ मच ऑफ द फील्ड इज पासिंग थ्रू दैट गिवन सरफेस, दैट इज वॉट फ्लक्स इज. ओके, समझ में आ गई ये बात. तो फ्लक्स इज बेसिकली अ मेजर ऑफ हाउ मच ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिस थ्रू अ गिवन सरफेस. ओके, एक और चीज जो इसके साथ है जो मैं समझा सकती हूँ वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप किसी भी सरफेस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो एंड दैट अ सरफेस इज केप्ट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, क्या बोला मैंने कि इफ यू आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया inside electric field, ठीक है, electric flux is calculated over an area inside an electric field, तो it can also be measured, या it is a measure of किसका, number of electric field lines. ठीक है जी, तो अगर किसी भी surface के through, अगर किसी भी surface के साथ associated जितनी भी field lines cross होती हैं through that surface, through that area, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी ज़्यादा क्रॉस हो रही हैं या कितनी कम क्रॉस हो रही हैं, दैट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन कि फ्लक्स कितना निकल के आ रहा है. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली हमें बताता है कि किसी भी सरफेस के साथ कितना फील्ड एसोसिएटेड है या कितना अमाउंट ऑफ फील्ड पास हो रहा है. ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ फील्ड किसी भी सरफेस के थ्रू पास हो रहा है, और अगर फील्ड पास हो रहा है दैट मींस व्हाट, फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली फील्ड लाइंस कितनी ज़्यादा क्रॉस हो रही हैं उस सरफेस एरिया के थ्रू, तो दैट इज़ व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज. ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास कोई भी एक एरिया है, इफ़ आई हैव अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, और इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कुछ इस तरीके से जा रही हैं,
ठीक है। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया एंड दिस एरिया इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन ये है ना, एंड दिस एरिया इज केप्ट। अच्छा मुझे ये बता दो कि एरिया का जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, वो कौन से डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा? दिस, ओके, एन कैप, ओके। सो जो भी है कि एरिया वेक्टर के थ्रू या फिर एरिया के थ्रू कितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती हैं या फिर द अमाउंट ऑफ फील्ड विच इज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, दैट इज वॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, ठीक है। ना अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड ना अकेला एरिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, ओके, देन व्हेन दैट एरिया इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड या किसी भी डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो दैट इज वॉट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, ठीक है। समझ में आ रही बात? बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने में, तो बस ऐसे समझ लो कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के थ्रू जितना भी अमाउंट ऑफ फील्ड पास होता है, दैट इज वॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, ओके। सो आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। नहीं हुआ होगा तो यू नो जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो वी कैन टॉक अबाउट दिस थिंग इन दैट क्लास इज वेल, ओके। ऑलराइट, सो वी आर डन विद दिस, ओके, फाइन। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे बतानी है, क्या, कि देखो मुझे ना ये चीज़ मैंने पहले भी बताई हुई है व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो मैंने ये बोला था कि अगर आप किसी भी एरिया को फील्ड के नॉर्मली प्लेस करते हो, ठीक है, एंड किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स को क्रॉस कराते हो, तो दैट विल गिव यू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, है ना। क्या बोला था मैंने, व्हाट डिड आई टेल यू, कि अगर आप किसी भी एरिया के थ्रू जितनी भी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, और अगर फील्ड लाइंस कम पास होती हैं किसी भी एरिया के थ्रू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट मीन्स व्हाट, फील्ड वहाँ पर कम है। अब देखो, आप ना सिंपली ऐसे भी नहीं बोल सकते कि फील्ड लाइंस का एकदम से ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना डायरेक्टली बता देगा कि फ्लक्स कितना है, नहीं। फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना एनीवे हमारे हाथ में है ना, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करती है, आप उसको फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, एंड इट इज़ अप टू यू कि आप कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो, तो फिर हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे कि फील्ड ज़्यादा या कम हो रही है या फ्लक्स ज़्यादा या कम हो रहा है। तो चीज़ ये समझने वाली है कि अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया लेते हो एंड अगर आप कोई एक पॉइंट कंसिडर करते हो कि इस पॉइंट के थ्रू वो जो पॉइंट है उस एरिया पे लाई कर रहा है एंड इस पॉइंट के थ्रू कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती हैं, अगर आप उस एरिया का ओरिएंटेशन चेंज कर दो या फिर आप फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दो, तो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी, तो रिलेटिवली आप कंपेयर करोगे, ठीक है। मतलब सपोज कीजिए कि पहले मैंने एरिया को ऐसे रखा एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, कि इस पॉइंट के अक्रॉस या इस पॉइंट के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा या कितना फील्ड पास होगा, और इसी एरिया को मैंने फिर टिल्ट कर दिया एंड अभी भी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट ओनली। समझ में आ रही है बात? तो बेसिकली अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो इस पॉइंट पे कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही थी और यहाँ पे जब मैंने इसको टिल्ट कर दिया तब कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही थी, तो इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव नंबर, ठीक है। मतलब किसी एक पॉइंट को ही कंसिडर करना है, और आप अगर उसका ओरिएंटेशन बदल देते हो, किसका ओरिएंटेशन बदल देते हो, प्लेन का ओरिएंटेशन बदल देते हो या फिर फील्ड का डायरेक्शन बदल देते हो, तब कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी, ठीक है। तो दैट इज वॉट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे सिंपली नहीं बोल सकते कि अच्छा इस एरिया में तो इस एरिया में तो इतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही थी, दो ही हो रही थी, और अगर मैंने ये करा तो इसमें से एक हो रही थी। कंपैरिजन यहाँ नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये बड़ा एरिया, ऑब्वियसली बात है, इट कैन अकोमोडेट मोर फील्ड लाइंस, एंड ये एक छोटा एरिया है तो इट कैन नॉट अकोमोडेट वो दैट मच फील्ड लाइन्स, राइट। तो इस यही बात हो रही है, समझ में आ रही है बात? तो जब आप कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन करने के लिए दे शुड बी ऑन द सेम लेवल। व्हाट शुड बी ऑन द सेम लेवल? एरिया। एरिया शुड बी सेम फॉर बोथ द केसेस, फॉर ऑल द केसेस, जब भी आप कंपैरिजन करोगे, राइट। तो वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप ये बोलते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ एरिया विच इज प्लेस नॉर्मल टू द फील्ड विल गिव यू हाउ मच द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग और इट इज वीक, तो वो डिपेंड
डिपेंड करता है ना, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर आप उसी एरिया को अलग अलग कंडीशन में रखते हो, अलग अलग कंडीशन में, लाइक अगर अगर आप उसको ऐसे ऐसे रखते हो, फिर उसको टिल्ट कर देते हो और टिल्ट कर देते हो, तब आप कंपेयर करोगे। ऐसे नहीं कर सकते कि उसको किसी भी उठा के किसी भी पर्टिकुलर किसी भी दूसरे एरिया के साथ कंपेयर कर दो, राइट? तो ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रही थी। ओके, सो मैंने क्या बोला कि अगर आप फील्ड लाइंस को, ये जो हम बात कर चुके हैं कि जब फील्ड लाइंस होती है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, व्हेन दे क्रॉस यूनिट एरिया, ओके, सो ये चीज़ हमें पता थी कि अगर आप नंबर ऑफ फील्ड लाइन, जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं एनी यूनिट एरिया विच इज प्लेस नॉर्मल टू द फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पॉइंट एट अ पॉइंट, ठीक है, तो इट इज बेसिकली अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है, उसी सिंगल पॉइंट पे कितना स्ट्रेंथ है, दैट विल बी known by this thing, okay? I hope that's clear, okay? तो अब मुझे ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है? तो अच्छा, एक और चीज़ सुन लो कि अगर आपको किसी एरिया के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो वो आप क्या करोगे, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास, सपोज कीजिए कि एक बहुत ही स्मॉल एरिया एलिमेंट है, ठीक है, डेल्टा एस, जिसका मैग्नीट्यूड इज दिस, ओके, तो अभी मैं क्या करूँगी, अगर मैं इस डेल्टा एस वाले एरिया को नॉर्मल रखती हूँ किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, लाइक सपोज कीजिए कि ये मेरा एरिया एलिमेंट है, ओके, एंड यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का, दैट विल बी एन कैप, एंड मैंने इस एरिया को नॉर्मल रखा है फील्ड के साथ, ठीक है, तो मैं जरा फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेती हूं, थ्री एंड फोर एंड फाइव, ओके, सो हियर वी हैव फाइव फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया, ओके, नाउ अब मुझे एक चीज बता दीजिए, फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड करता है, इट इज बेसिकली द फील्ड फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया विच इज प्लेस नॉर्मल टू द फील्ड, ओके, सो तो ये हमारा क्या था, ये हमारा स्मॉल एरिया एलिमेंट है डेल्टा एस, एंड इससे ये फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है, तो हमारा जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, फाई से। अब ये फ्लक्स डिपेंड करेगा ना कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है। अच्छा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है, वो इन टर्न दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, किन किन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, पहली चीज पे जो वो डिपेंड करेगा दैट इज कि स्ट्रेंथ कितना है फील्ड का, स्ट्रेंथ ऑफ ई, क्यों भाई, क्योंकि अगर ई जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा तो उतनी ज्यादा तो फील्ड लाइंस जा पाएंगी ना, और जितना ई वीक होगा उतनी ही कम फील्ड लाइंस जाएंगी, तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर टू ऑन विच इट डिपेंड्स इज कि एरिया कितना है ना, एरिया कितना ज़्यादा फील्ड लाइंस को एकोमोडेट कर सकता है, दैट मींस सिंपली डेल्टा एस कितना है, ज़्यादा है या कम है, तो इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, फ्लक्स, ठीक है, तो हम ये कहते हैं फ्लक्स जो है हमारा वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ई और डेल्टा एस पे, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एस, मतलब एरिया पे भी, तो हम ये बोल सकते हैं सिंपली हमारा जो फाई है इट डिपेंड्स अपॉन ई डेल्टा एस, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन दिस थिंग, ऑलराइट। लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर मैं इस एरिया को या फिर मैं इस फील्ड के डायरेक्शन को, ठीक है, इफ़ आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड, क्या कर रही हूँ मैं, आई एम कीपिंग द एरिया एज इट इज़, ओके, आई कीप द एरिया एज इट इज़ द सेम एरिया, ठीक है, एंड दिस इज माई एंड कैप, what I'm doing now is I'm tilting the field, okay, tilting the field like इसका जो direction है field का उसको मैंने ना थोड़ा सा tilt कर दिया है, so that कि it is making some angle theta with the orientation of the plane, okay, it is making some angle theta with the orientation of the plane, okay, so theta is basically what, theta is the angle
between direction of electric field and outward normal to area element. ठीक है जी, तो what I am saying is कि अभी मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को टिल्ट कर दिया. लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या है कि जब भी आप एरिया को when you place the area या ठीक है when you place the area normal to the direction of the field, तो जो जो combination होता है कि number of field lines passing through that area at any point will give you the electric flux. तो देखो अभी मैं क्या करूँगी, इसका जो normal component है electric field का direction मेरा ऐसा जा रहा है ना, तो what I'm gonna do is कि इसका मुझे को normal देखना है. तो अगर मैं इसका normal देखूँगी तो E इस direction में, ये इस line के साथ theta बनाता है, तो इसी direction में हमें मिल जाएगा E cos theta. ठीक है, तो अगर मुझे अब फ्लक्स निकालना होगा तो दैट विल डिपेंड अपॉन डेल्टा एस ऑब्वियसली, एंड इट विल डिपेंड अपॉन ई कॉस थीटा फ्लक्स आ जाएगा मेरा. और इस केस में फ्लक्स क्या हो रहा था, सिर्फ ई डेल्टा एस. ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं निकालूंगी हमारा फाइ, अच्छा ये मैं स्मॉल एरिया एलिमेंट्स के साथ कर रही हूँ, तो आई कैन राइट इट एज डेल्टा फाइ. डेल्टा फाइ, फाइ इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन फॉर फ्लक्स. ओके, तो अगर मैं ये बोलूँ कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू, अच्छा आप ना एक और चीज़ कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, आप इस ये जो हमारा डेल्टा एस का जो डायरेक्शन है आप इसको भी अलोंग ई ला सकते थे. ठीक है, थीटा एंगल बना रहा था तो डेल्टा एस कॉस थीटा भी आ सकता था इस डायरेक्शन के अलोंग. ठीक है, तो मतलब इधर ई कॉस थीटा ले लो या फिर डेल्टा एस कॉस थीटा कर लो. ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ई डेल्टा एस कॉस थीटा, विच इन टर्न कैन बी रिटन एज E dot delta S, dot product हो गया ना, that is our delta phi. ठीक है, E dot delta S मतलब कि electric field intensity का dot product है किसके साथ, area के साथ, area element के साथ. Okay, I hope that's clear for you. अच्छा ओके फाइन, तो इतना समझ में आ गया हमें. एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, अगर सपोज करो कि आपके पास कोई बहुत बड़ा एरिया है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद दैट एरिया, तो सबसे पहला काम वही होगा, एरिया को डिवाइड करो इनटू स्मॉल एलिमेंट्स. इफ़ यू हैव दिस मच बिग एरिया, डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स. अगर आपको नहीं जानते हो पूरे का एरिया, ठीक है, छोटे छोटे एलिमेंट्स में उसको डिवाइड करो, सबके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स निकालो और फिर उसके बाद उन सारे फ्लक्स को एड अप कर दो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट का निकाला, इसका निकाला, तो इसका फाइ वन आएगा, है ना, ई वन डॉट डेल्टा एस वन, है ना, ऐसे करके. फिर इसका निकाला, फाइ टू निकाला, तो आप बेसिकली क्या करोगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब आएगा दैट विल बी अ समेशन ऑफ व्हाट, समेशन ई डॉट डेल्टा एस. ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में होता क्या है कि हम ये जो डेल्टा एस है ना, दिस डेल्टा एस एक्चुअल प्रैक्टिस में होता क्या है, दिस डेल्टा एस इज टेकन टू बी वेरी स्मॉल, सो स्मॉल दैट इट टेंड्स टू जीरो. ठीक है, दिस डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो इन एक्चुअल प्रैक्टिस. तो हम क्या कर लेते हैं, फिर हमारा जो फाई है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा, उसको हम लिख लेते हैं कैसे, इंटीग्रल ई डॉट डी एस. ठीक है, जब हमारा डेल्टा एस टेंस टू जीरो हो जाता है तो समेशन क्या बन जाता है, इंटीग्रल बन जाता है. अच्छा ये सर्कल क्यों लगा दिया मैंने, इस सर्कल का मतलब ये है कि यू आर इंटीग्रेटिंग इट ओवर द क्लोज्ड सर्फेस. हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा हमें ओपन एरिया मिलेगा, हमें एक कर्व्ड एरिया मिल सकता है, हमें क्लोज्ड सर्फेस मिल सकता है, उसका एरिया भी लगा सकते हैं. तो इन जनरल हमने कर दिया कि इंटीग्रेटिंग ओवर द क्लोज्ड सर्फेस, डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा. और इस चीज को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन. सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन इज अ क्लोज्ड सरफेस. ठीक है, समझ में आ गई बात. दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑल अबाउट, ई डॉट डी एक्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि इंटीग्रेशन इज डन ओवर द क्लोज्ड सर्फेस. ठीक है, और इसको हम ये भी बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ठीक है, क्योंकि हम ओवर द सरफेस इंटीग्रेट करें, इट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑलराइट, सो आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू.
अच्छा, बोला ये था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज बेसिकली सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस, और आई कैन राइट इट एज EdS cos theta integral obviously. या अच्छा, ये जो हमारा phi होता है या जो हमारा ये flux होता है, this flux can have negative value, can have positive value and can have zero value as well. ठीक है, कब कब होगी ये चीज़ें? नेगेटिव कब होगा हमारा, पॉजिटिव कब होगा और ज़ीरो कब होगा? ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा? देखो, हमारे पास ये थीटा है ना. जब थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री होता है तो कॉस थीटा कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है, ये चीज़ें याद है आपको? ये जो हम क्वाड्रेंट्स बनाते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते थे वो पॉजिटिव होते. तो कॉस थीटा, अगर यहाँ पे थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो यहाँ पे थीटा जो है वो कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा. कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा. लेकिन अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे जाता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो थीटा हमारा ग्रेटर देन जब 90 डिग्री होता है तो हमारा कॉस थीटा क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, और इसीलिए हमारा फ्लक्स भी नेगेटिव हो जाएगा. अच्छा, और जब हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 कितना होता है? ज़ीरो होता है, तो तब हमारा जो फ्लक्स है वो भी ज़ीरो हो जाएगा. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो थीटा होगा दैट शुड बी 90 डिग्री. मतलब क्या है? डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, एंगल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा जो एरिया वेक्टर था उसका जो डायरेक्शन था एन कैप, अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है तब हमारा जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? तो आई होप दैट्स क्लियर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी. अच्छा, एक और चीज़, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, या इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है इसका एक यूनिट होगा, इसके कुछ डायमेंशंस होंगे. अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. तो डॉट प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है डॉट प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट आता है दैट इज़ ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी. तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. या उसके बाद अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहूँ, यूनिट्स की बात करूँ अगर मैं इसके, तो यूनिट्स के मैं कैसे निकाल सकती हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया. इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है हमारा? न्यूटन पर कूलाम. और एरिया का कितना होता है? मीटर स्क्वेयर. ठीक है, तो इसका जो यूनिट आता है दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलाम. ओके, देन उसके बाद व्हाट वी हैव इज, अगर मैं इसका डायमेंशन देखूँ तो डायमेंशन भी सिंपली आप इसका निकाल सकते हो. न्यूटन का जो है डायमेंशन क्या होता है, मतलब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, दैट इज़ MLT माइनस 2. मीटर स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा, अपॉन में क्या कर दें, कूलाम है तो मतलब AT हो जाएगा, AT, या लेकिन ये अपॉन में है तो AT की पावर माइनस 1. अच्छा, ये मैंने इधर लगा दिया था, नॉट एन इश्यू. ओके, सो अब अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो M1 हो जाएगा, L3 हो जाएगा एंड T-3 एंड देन A-. सो आई होप दैट्स क्लियर. यूनिट्स हो गए, डायमेंशंस हो गए, phi जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. एंड हाँ, प्लीज ध्यान रखिए, phi इज नॉट एन एंगल हियर. ठीक है, phi इज अ स्केलर क्वांटिटी. जो एंगल है दैट इज ओनली थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. ओके, सो एरिया वेक्टर और ये फ्लक्स जानना वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गॉस थ्योरम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं. एंड आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. एंड स्टिल अगर समझ में नहीं आई हुई हैं तो हम अपनी लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ओके, एंड जो लोग वो क्लासेस नहीं ले रहे हैं, दे कैन आस्क दियर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, और दे कैन सेंड देयर ईमेल्स टू द ईमेल ID विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑलराइट, सो टिल देन, हैप्पी लर्निंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.